मंजिले भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी है मंजिले भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी है देखते हैं कल क्या होगा देखते हैं कल क्या होगा हौसले भी तो जिद्दी है हौसले भी तो जिद्दी है हेलो फ्रेंड्स सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू स्टार कंसेप्ट में आज का जो हमारा कंसेप्ट है आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड ये एक्सपेरिमेंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि जो ड्राइसिच डेमोस्ट्रेशन ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि सी अर्चिन के फोर सेल स्टेज में कंडीशनल स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट होता है अभी ये कैसे तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या, क्या क्या किया गया था तो फोर सेल स्टेज का एम्ब्रियो लिया था सी का एंड उस फोर सेल स्टेज के एम्ब्रियो को अगर हम नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं तो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करते फोर सेल स्टेज का तो नॉर्मल प्लूटस लार्वा फॉर्मेशन होता है कि जो बड़े साइज का प्लूटस लार्वा है वो देखिए फॉर्मेशन हुआ अगर इसी फोर सेल स्टेज को अगर आप सेपरेट करो एंड सेपरेट करो मतलब फर्टिलेशन एंड रिमूव करो एंड उन फोर सेल्स को अलग अलग कर दो सेपरेट कर दो एंड सेपरेट करके उसको प्रोसीड करो डेवलपमेंट के लिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो फोर सेल्स अगर सिंगल सिंगल सेल्स करते हैं एंड उसको डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे सिंगल सेल से भी कंप्लीट जो है वो प्लूटस लार्वा बन रहा है ये फोर स्मॉल साइज के प्लूटाए डेवलप हो रहे मतलब जो फोर सेल स्मॉल साइज के जो प्लूटाए ये इनमें ऑल टाइप के सेल जनरेट हो रहे हैं। ये स्मॉल 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 प्लूटाई डेवलप हो रहे कि जो फोर स्मॉल प्लूटाई जो है वो नॉन आइडेंटिकल होते मतलब सिंगल सेल से भी कंप्लीट प्लूट प्लूटाई डेवलप हो रहा है जो कि नॉन आइडेंटिकल है जिसमें ऑल टाइप के सेल्स है तो इससे हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि देखो फोर सेल्स अगर एम्ब्रियो है तो भी कंप्लीट प्लूटस प्लूट बनता है एंड अगर सिंगल सिंगल सेल्स है उससे भी कंप्लीट कंप्लीट प्लूटाई डेवलप हो रही है कि जो कि जिसमें ऑल टाइप के सेल्स है एंड वो नॉन आइडेंटिकल है मतलब सिंगल सेल कंप्लीट प्लुटाई डेवलप कर रही है इसका मतलब वो तीन सेल्स के लॉस को कंपनसेट कर रही है ये जो तीन सेल्स का लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया तो हर एक सेल ने तीन सेल्स की जो लॉस हुआ था उसको कंपनसेट करके कंप्लीट प्लुटाई फॉर्मेशन किया जो कि प्लुटाई स्मॉल साइज थी दिखने में जो नॉन आइडेंटिकल थी बट जिसमें ऑल टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे इसीलिए डराइसिस ने यहां पे बोला कि यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट होता है फोर सेल स्टेज में तो यहाँ पे देखिए कि ड्राइसिस डेमोस्ट्रेशन ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मतलब फोर सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो जनरेट नॉर्मल प्लूटस लार्वा एंड व्हेन रिमूव फोर सेल एम्ब्रियो फ्रॉम इट्स फर्टिलेशन एनवल एंड आइसोलेटेड ईच ऑफ फोर सेल ईच सेल कैन फॉर्म स्मॉलर बट नॉर्मल फ्लूटस लार्वा कि हर एक सेल अगर आइसोलेट करोगे तो स्मॉलर बट आइडेंटिकल नॉर्मल लार्वा फॉर्मेशन करेगी जिसमेंटिकल थे जो भी चार छोटे छोटे हुए थे तो दिस इज दंडीशनल स्पेसिफिकेशन एक्सपेरमेंट तो यह था आज का हमारा स्टार कंसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में तो आप भी आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड ये कंसेप्ट क्या आपको समझ में आया नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग